आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं होली स्पेशल मावा गुजिया, और खस्ता भी रहेगी। तो मैंने गुजिया बनाने के लिए 250 ग्राम मैदा लिया है। अब हम इसे चलते हैं। सबसे पहले मैदे को अच्छे से रिफाइंड ऑयल डाल के और खस्ता कर लेते हैं। आप चाहें तो देसी घी डाल दे से भी खस्ता कर सकते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसे अच्छे से और खस्ता कर लेंगे। रिफाइंड ऑयल डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा बच गया है। तो हम इसे अच्छे से दोनों हाथों से खस्ता करेंगे, कहीं भी इसमें गुठली ना रहे, नहीं तो हमारी गुजिया बनाते समय फूट भी सकती है। तो इसलिए हमें बहुत ही अच्छे से इसे खस्ता कर लेना है। तो हमारा आटा अच्छे से खस्ता हो गया है। इसी तरीके से आपको भी खस्ता कर लेना है। जब आप लड्डू जैसा आकार बनाएं और बन जाए तो आप समझ जाएं कि आटा हमारा अच्छे से खस्ता हो गया है। तो बढ़िया आटा खस्ता हो गया। अब हम चलते हैं, इसका बढ़िया सा डो तैयार कर लेते हैं। मैदा गूंथने के लिए मैंने एक कटोरी पानी गर्म करके लिया है। आप भी गर्म पानी में डो तैयार करेंगे तो बहुत ही अच्छी आपकी गुजिया बनकर तैयार होगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम अच्छे से डो तैयार कर लेंगे। एक साथ पानी नहीं डालना है इसमें, नहीं तो कहीं ज़्यादा गीला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा इस तरीके से पानी का छींटा डालें और इस तरीके से बहुत ही अच्छे से मसल कर इसे तैयार करें। चिकना एक बढ़िया डो मुलायम सा, तो आपकी गुजिया कभी भी बनाते वक्त नहीं फूटेगी। तो बढ़िया से इसे तैयार कर लेना है। आटे का डो हमारा अच्छे से मुलायम सा सॉफ्ट सा तैयार हो गया है। अब हम इसे पॉलीथीन में रख देंगे। आप पॉलीथीन में रखें, इसमें रखने से क्या होता है कि हमारे आटे पर ऊपर चिड़चिड़ापन में कभी नहीं आता है और मुलायम ही आटा बना रहता है। तो हम ढककर छोड़ देते हैं, 10 से 15 मिनट आराम से रेस्ट करेगा। तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। गुजिया बनाने के लिए हम थोड़ा सा सूजी भी इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने गैस जला के कढ़ाई रख दी थी। अब हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो देसी घी में भी भून सकते हैं। तो तेल गर्म होते ही हम इसमें सूजी डाल देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें एक कटोरी सूजी डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे आराम से हल्का सुनहरा होने तक भून लेना है। बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना है। मिक्स करते हुए हमारी सूजी अच्छे से भूनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से आपको ही इतना ही कलरफुल भून लेना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं आने देना है इसमें, नहीं तो स्वाद कड़वा हो जाएगा। तो हम इस स्टेज पे गैस को बंद करेंगे और स्टफिंग को बाहर निकालेंगे। एक कटोरी शक्कर मैंने मिक्सी के जार में डाल के पीस लिया है। अब थोड़ा सा काजू और बादाम है, ये भी हम उसी में डाल के हल्का दरदरा सा पीस लेंगे। गुजिया बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम मावा का इस्तेमाल किया है। अब साथ ही इसमें डाल देंगे पिसा हुआ काजू और बादाम, थोड़ा सा गरी का बुरादा डाल देंगे, 3 इलायची, 2 लौंग मैंने पीस ली है, इसे ज़रूर डालें, अच्छा खुशबू आएगा। शक्कर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा मीठा जैसे खाते हैं डाल सकते हैं। आधा ही शक्कर मैंने डाला है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी किशमिश और भुनी हुई सूजी। हम थोड़ा थोड़ा डाल के हाथों से अच्छे से मैश करेंगे। स्टफिंग हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है और आधा ही सूजी हमने इस्तेमाल किया है, आधा बचा दिया है। जितना आपके मावा में एडजस्ट हो पाए उतना ही सूजी डालें तो बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट गुजिया बनकर तैयार होगी। तो हम चलते हैं, बिना किसी देरी के फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो हम आटा चेक कर लेते हैं हमारा आटा कैसे तैयार हुआ। तो हमारा डो बढ़िया अच्छे से मुलायम सा हो गया है। तो हम चलते हैं फटाफट इसकी लोइया बना लेते हैं। तो हमें छोटी छोटी पेड़े जैसी लोइया इतनी छोटी बना लेना है। चकले पे रखें और हाथों के मदद से पेड़े लोइया छोटी छोटी बना ली है। अब हम इसे थोड़ा बना लें, इसी तरीके से करेंगे और अच्छे से बेलेंगे। आप चाहें तो
घी या तेल लगाकर भी इसे बेल सकते हैं, पर ये तरीका हमें आसान लगता है। ये अच्छे से आप देख सकते हैं घूम घूम के अच्छे से पूरी हमारी बेलकर तैयार हो जाती है, ना कहीं मोटी ना कहीं पतली रहती है। तो हम सूखा आटा लगाकर ही कभी भी गुजिया बनाते हैं तो हम इसी तरीके से बेलते हैं। आप भी इसी तरीके से बेलें, बहुत आसानी से पूरी बेलकर तैयार हो जाती है। तो हमारी पूड़ियाँ अच्छे से बेल गई हैं, इसी तरीके से आपको भी बेल लेना है, ना बहुत मोटी और बहुत ज़्यादा पतली भी ना रहे कि बनाते वक्त फूट जाए। तो मैंने इसी तरीके से बेल लिया है, आप भी इसी तरीके से बेलें। अब हम इसी तरीके से सारी लोइयाँ बेल कर रख लेंगे, फिर हम स्टफिंग भरना शुरू करेंगे। तो मैंने सारी लोइयाँ बेल ली है, अब हम चलते हैं फटाफट भरना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से गुजिया मशीन आपको लेना है और थोड़ा सा सूखा आटा कोट कर लेना है, फिर इस पे ये पूड़ियाँ रखना है इस तरीके से, और इसमें जितना स्टफिंग आए उतना ही हमें डालना है कि अच्छी से भरी भी रहे और खाली भी ना रहे। और इसे बंद करते समय थोड़ा सा पानी लगा दें साइड में, तो ये आप सारी गुजिया भर के रख लेंगे, फिर बनाना शुरू करेंगे तब भी ये गुजिया फूटेगी नहीं। इस टाइप का इसे बंद कर दें अच्छे से, और ये जो एक्स्ट्रा निकले उसे निकाल के साइड में रख दें। कितना अच्छे से भरकर तैयार हो गई है, और एकदम अच्छे से भर गई है, कहीं टूटी फूटी नहीं। इसी तरीके से आपको सारी गुजिया भर लेना है, बहुत ही आसान तरीका है। तो गुजिया हमारी बढ़िया भरकर तैयार हो गई है, तो हम चलते हैं इसे फटाफट फ्राई कर लेते हैं। गुजिया फ्राई करने के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल डाल के और गैस जला के पहले से कढ़ाई में रख दिया था, और हमारा ऑयल भी गर्म है। तो हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा आटा डाल के इस तरीके से चेक कर लीजिए। तो हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, आटा हमारा ऊपर आ गया। तो हम चलते हैं फटाफट इसमें गुजिया डालना शुरू करते हैं। आराम से एक एक करके हम गुजिया को डालेंगे और आँच को मीडियम कर देंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर गुजिया नहीं पकाना है, नहीं तो ऊपर से हो जाएगी और अंदर कच्ची रह जाएगी। और मीडियम फ्लेम पे आप बनाएंगे तो आपके खस्ता और क्रिस्पी गुजिया बनकर तैयार होगी। गुजिया बनाते समय तेल आप ज़्यादा इस्तेमाल करें कि अच्छे से आपकी गुजिया फ्राई हो जाए, और जितना तेल में आए उतना ही गुजिया डालें, और हल्के हाथों से अच्छे से इसे घुमाते हुए फ्राई करें, चारों तरफ ये अच्छे से फ्राई हो जाए। अब इसे उलटते पलटते हुए हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। उलटते पलटते हमने गुजिया को फ्राई अच्छे से कर लिया है, तो हमारी गुजिया अच्छा कलर आ गया है गुजिया में। इसी तरीके से आपको भी फ्राई करना है, तो हम आंच को मीडियम कर देंगे और गुजिया को बाहर निकालेंगे। इसी तरीके से आप भी फ्राई कीजिएगा। हमारी हेल्दी और टेस्टी गुजिया रेसिपी बनकर तैयार हो गई है, तो इस बार होली में एक बार इसे ज़रूर बनाएं। और आपको मेरी गुजिया रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री श्याम।